बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सबक पढ़ेंगे वाकफियत आमा का। यहाँ पे मेरे पास आपकी बुक है वाकफियत आमा जुमायत अव्वल के लिए। ओपन योर बुक, पेज नंबर है 24, यूनिट नंबर 6 एंड द टॉपिक इज़ हमारा इलाका। इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। जैसे कि आप सब अपने घर वालों के साथ रहते हैं, आपके मामा पापा दादा दादी बहन भाई आप लोगों के सब साथ रहते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा मोहल्ला। हमारे मोहल्ले में इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के घर बताए, इनके घर कई तरह के होते हैं, जैसे कि पुख्ता घर, कच्चा घर, झोंपड़ी और फ्लैट्स। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो घर मैं आपको नज़र आ रहा है ये है कच्चा घर, यानी कि ये मिट्टी से बना होता है, ईंटों से नहीं बनाया जाता, मिट्टी से बनाया जाता है, ठीक है। एक किस्म घर की ये है। नेक्स्ट है पुख्ता घर। पुख्ता घर वो है जैसे कि हम लोगों के घर बने हुए हैं ईंटों से और सीमेंट से, पुख्ता घर है, पक्के होते हैं घर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है झोंपड़ी, जो टहनियों से बनाया जाता है, दरख्त की टहनियों से, या इस तरह दरख्तों की टहनियों से एक झोंपड़ियाँ बनाई जाती है। और लास्ट में आ जाता है फ्लैट्स। ये है फ्लैट्स, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे से इन्होंने घर बनाए होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे घर के करीब रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, यानी कि हमारे घर के जो आसपास घर हैं दाएं तरफ और बाएं तरफ, यानी कि राइट और लेफ्ट, आमने सामने जो हमारे घर है वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हम अपने पड़ोसी कहते हैं, ठीक है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो खुशी और गमी में एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारे घर के करीब ही मार्केट है जिसमें बहुत सी दुकानें हैं। करीब ही खेल का मैदान है जहाँ हम शाम के वक्त खेलने जाते हैं। जहाँ कई खानदान मिलकर रहते हो उसे मोहल्ला कहते हैं, ठीक है। अपने पड़ोस के बारे में बताइए, आपके पड़ोस में कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं। आइए मैं आपको अपने पड़ोस के बारे में बताती हूँ कि मेरे पड़ोस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे घर है, मेरे घर के पास बहुत सारे ऐसे घर हैं, ठीक है। मेरे घर के पास मस्जिद है जहाँ हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आपके फादर दादाजी या आप खुद भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हमारे घर के पास मस्जिद भी होती है। मस्जिद की बात आ जाता है कि मेरे घर के पास स्कूल भी है जहाँ हम आप लोग पढ़ने जाते हैं और हम जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अब आपने जैसे मैंने अपने पड़ोस के बारे में